अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदनान। आप देख रहे हो अदनान शहजाद यूट्यूब चैनल। ये जो भी आप व्यू देख रहे हो ये सारा मेरे गांव का इलाका है। ये मैंने अपने घर पे खड़े होकर यहाँ से ड्रोन भेजा हुआ है। तकरीबन मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर ये सारा पहाड़ी इलाका है। ये सब मेरे अपने गांव के पास का इलाका है। तो यहाँ से अभी मैं नेक्स्ट अपना जो टूर है वो स्टार्ट करता हूँ। अभी सबसे पहले चलते हैं दरबार सर जलाल खान पे। पिछले व्लॉग में आपने देखा था जी, मैं अपने घर से निकला हूँ सफ़र करने के लिए। कोट द मैक से होते हुए मैं आया था शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी की दरबार पर। अब यहाँ से मैं आगे जाऊँगा जी, सबसे पहले दरबार सर जलाल खान पे, उसके बाद फिर आगे मंगला डैम की तरफ जाऊँगा। सफ़र मेरा स्टार्ट है, मंगला डैम के पास जाके आपको उसका व्यू करवाऊँगा जी। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। इधर पर जाएंगे, यहाँ से कोई तीन चार रोड निकलती हैं, लेकिन करोंटा से इस साइड पे जाती है ये स्मोठी वाली रोड। माशाल्लाह रोड तो बहुत प्यारी है ग्रीनरी की वजह से। ये जो आप इतनी प्यारी सी जगह अभी देख रहे हो जहाँ पे मैं वॉक कर रहा हूँ, ये जगह है जी दरबार सर जलाल खान, इस जगह का नाम है। यहाँ पे अंदर सर जलाल खान का जो है ना मज़ार बना हुआ है, कब्र मुबारक बनी हुई है। और यहाँ पे हर साल मेला होता है तकरीबन जुलाई के महीने में, मई के महीने में यहाँ पे हर साल मेला होता है। और यहाँ की मशहूर बात यह है कि यहाँ पे एक बाबा था, उसको मैंने देखा है कि वो हमेशा सफ़र करता रहता है। वो रहता वैसे यहाँ पे है, लेकिन आई थिंक उसकी डेथ हो गई है कुछ आज से 1 साल 2 साल पहले, लेकिन यहाँ पे वो रहता होता था और यहाँ से वो पैदल सफ़र करता था। हमने उसको देखा है अक्सर, ऐसी ऐसी जगह पे वो गया है पैदल सफ़र करके कि आप सोच भी नहीं सकते। तकरीबन 200, 300, 500 किलोमीटर तक वो पैदल सफ़र करके जाता था और फिर पैदल ही वापस आता था। बस एक ग्रीन पगड़ी बांधी होती थी उस बंदे ने। तो ये दरबार सर जलाल खान ये मशहूर है काफ़ी उस जगह से। यहाँ पर आके लोग कबकरे वगैरह भी देते हैं, कुर्बानियाँ वगैरह देते हैं, कुछ लोग मुर्गे आके पकाते हैं यहाँ पर, नतें वगैरह की होती हैं, तो वो सारी यहाँ पे जो है ना देखे तो फिर जाते हैं। तो मैं भी यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसकी फ़ुटेज लूँगा, फिर उसके बाद आगे जाऊँगा अपने नेक्स्ट स्टेशन पे समोठी की तरफ। तब तक आप लोग ये ज़रा इसका व्यू का मज़ा लो, फिर आगे चलते हैं। ये सारा दरबार का एरिया है, उस जगह पर सामने होता है कुकिंग वगैरह होती है। ये सारा ऊपर जो जगह बनी हुई है जिस जगह पे कुकिंग वगैरह करते हैं, उस साइड पे वो मस्जिद वगैरह बनी हुई है नमाज के लिए। इधर ऊपर भी सारी बैठने की जगह है और ये सारे एरिया ऊपर जाता है दरबार की तरफ। ऊपर चलते हैं, अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी माशाल्लाह दरबार सर जलाल खान, ठीक है जी। वो सामने अंदर दरबार है, ये लिखा हुआ जी शाहजहान मोहम्मद चिश्ती, शाहजहान मोहम्मद चिश्ती दरबार का। ये अंदर सारे दरबार है जी शाहजहान मोहम्मद चिश्ती, दरबार आलिया हजरत शाहजहान मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। ये इनका मज़ार है सारा, और ये सारी पहाड़ों के बीच में है। चारों तरफ सारे पहाड़ हैं, इतने ज़्यादा घना जंगल है और घने जंगल के बीच में ये दरबार बनी हुई है। यहाँ पे लोग आते हैं अपनी मन्नतें मांग के और फिर होके जाते हैं।
सुमोठी, ये रास्ता जाता है जी सुमोठी की तरफ। यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर आई थिंक 3 से 4 किलोमीटर होगा आगे। यहाँ से ये आगे पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया है सारा, तो इंशाल्लाह जल्दी पहुँचने वाले हैं हम। वहाँ पहुँच के जो आपको व्यू मिलेगा ना है, मज़ा आ जाएगा। यहाँ तक आपको आने के लिए इस तरह के रास्तों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह के रास्तों के बाद जो आपको व्यू मिलेगा ना, वो ये चेक करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये नज़ारा आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा जी। आगे चलते हैं थोड़ा सा, वहाँ पे रुक के फिर मैं इंशाल्लाह इस जगह का सारा ड्रोन फुटेज लेता हूँ। ड्रोन से इसका और भी अच्छा व्यू आएगा। यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं बस इस कोने में, फिर इंशाल्लाह यहाँ से व्यू मिलेगा बहुत अच्छा। शाम का टाइम हो चुका है ना, तो सूरज अभी ग्रूब नहीं हुआ। इससे पहले कि सूरज ग्रूब हो जाए, उससे पहले पहले मैं फुटेज ले लेता हूँ। यहाँ पे ब्रेक लगाओ जी, इधर रुको इधर रुको इधर रुको। यस, पहुँच चुका हूँ जी मैं इस प्लेस पे। इस जगह का नाम है सुमोठी। ये सारा पानी पीछे जो मेरे आपके नज़र आ रहा है ना, ये सारा पानी मंगला डैम का पानी है। तो यहाँ से अभी मैं आपको ड्रोन फुटेज दिखाता हूँ, जिससे आपको इसका सही अच्छे से व्यू मिलेगा। शॉट्स लेते हैं और फिर यहाँ से वापस चलते हैं। मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ मेरा भांजा भी आया हुआ है। इसने कहा था कि मैं भी यार यहाँ पे आके इस जगह का जो है ना नज़ारा लूँगा, तो मैंने कहा चलो तुम भी साथ चलो, इसको भी लेके आया हुआ हूँ। ये देखो कितनी प्यारी जगह है माशाल्लाह। इस जगह पे आके पैसे पूरे हो जाते हैं जी, जितना भी आप ख़र्चा करके आते हो ना, जब ये आप नज़ारा देखते हो ना, तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है माशाल्लाह। अल्लाह की कुदरत देखिए।
ओके जी, फुटेज आपने देखी जी, सारा इसका मैंने व्यू शॉट्स ले लिए। कैसी लगी आपको आज की वीडियो जी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग कोई और जगह देखना चाहते हो तो वो कमेंट बता सकते हो, मैं वहाँ पे जाके आपको उस जगह का भी व्यू करवा दूँगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा जी। जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जी वीडियो आज की आपको कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।